अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल दिस इज़ योर साइंस पीरियड. नाउ ओपन योर साइंस बुक फ्रॉम पेज 50. नाउ पुट डेट ऑन पेज 50 and 51. जी बेटा, तो आज आपने ये एक्टिविटी बी करनी है, एक्टिविटी टू करनी है. ये है जी, फिल इन द टेबल टू शो इफ लाइट कैन और कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कि आपने बताना है कि कौन से मटेरियल और कौन से ऑब्जेक्ट्स में से लाइट जो है वो पास हो जाती है और कौन से ऑब्जेक्ट्स में से नहीं होती. ठीक है, आपने यानी कि टिक करना है. ठीक है, अब एयर, एयर जो है इसके सामने देखें, ट्रांसपेरेंट पे टिक है और ट्रांसलूसेंट और ओपैक में क्रॉस है. ठीक है, यानी कि एयर, एयर जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. ठीक, नीचे है आपके पास एयर, हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है. तो एयर में हम, एयर से लाइट जो है पास इजीली हो जाएगी. ठीक है, नीचे आपके पास है ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर जो है इसमें आप ट्रांसलूसेंट पे टिक करेंगे. ठीक है, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप जो है दोनों बॉक्सेस में क्रॉस लगा लें. जी इसी तरह आपके पास है जी वाटर, तो वाटर के सामने आप ट्रांसपेरेंट में टिक करेंगे. वाटर जो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट है और बाकी दोनों जो आपके पास बॉक्सेस हैं आप उनमें क्रॉस लगाएंगे. अब जो बुक है आपकी उसमें आप ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में क्रॉस लगाएंगे और पैक में आप जो है टिक लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉरेस्टेड ग्लास, फॉरेस्टेड ग्लास में आप जो हैं ट्रांसपेरेंट पे क्रॉस लगाएंगे और ट्रांसलूसेंट में आप जो है टिक करेंगे और पैक में आप फिर क्रॉस लगाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास जो है ट्रांसलूसेंट है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बाल है आपके पास, तो बाल में आप जो है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पे क्रॉस लगाएंगे और पैक में टिक करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ. आपके पास है पेज नंबर 51 पे फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में इनको कंप्लीट करना है. पहले है, पहले वाली आपके पास ए वाली है, ऑल लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द डैश, कम्स फ्रॉम द सन. ज़मीन को रोशनी कौन देता है, सन देता है ना, तो सन का आप यहाँ पे एस कैपिटल राइट करेंगे. ठीक है बेटा, सन है आपकी पहली ब्लैंक का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जी, अ डैश ऑब्जेक्ट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट. कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट. ठीक है, सी वाली ब्लैंक पे आ जाएं, द मून इज़ अ डैश ऑब्जेक्ट. अब आपको पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है, मून की लाइट नहीं होती है, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. तो आप क्या ब्लैंक में लिखेंगे, नॉन ल्यूमिनस. ठीक है बेटा, डी वाली ब्लैंक पे आ जाएं आप, समथिंग विच लेट्स लाइट पास थ्रू इट इज़ डैश. वो चीज़ जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर सकती है, पास हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट है आपके पास, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट शेडो. ठीक है, शेडो बिल्कुल वैसा ही होता है ना जैसे उसका ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट वाली ब्लैंक में क्या राइट करेंगे, शेडो. ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है सन, सेकेंड ल्यूमिनस, थर्ड वाली आपकी है नॉन ल्यूमिनस, फोर वाली पे आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंट और फिफ्थ वाली है आपके पास शेडो. ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका सारा काम कंप्लीट होता है. आपने अपना सारा काम जो है नीट राइटिंग बिल्कुल करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.